महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है और काफी जोर शोर से प्रचार चल रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं किस तरह लोग किरण जी के साथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ उनका सहयोग दे रहे हैं और यहां पे काफी बड़ी रैली निकाली गई है। काफी संख्या में लोग उनके साथ यहाँ पे मौजूद है। देखा जाए तो ये चेंबूर तिलक नगर का इलाका है, काफी लोग रहते हैं, काफी मशहूर इलाका है, काफी जनसंख्या में लोग किरण जी के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं। आइए किरण जी से जानते हैं क्या काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद। अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस मुद्दे पे काम करेंगे, क्या उनका काम होगा, किस तरह यहाँ का विकास होगा, लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या लोगों की समस्या है, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे। आप निर्दलीय कैंडिडेट है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने पूरा वार्ड घूमा होगा, क्या यहाँ पे समस्या लोगों की बनी पड़ी है। अभी जहाँ पर हम खड़े है पेस्तम सागर का रोड नंबर 3 का इलाका है, आप सामने देखते होंगे तो सामने ही एक बड़ा ग्राउंड है। ये पूरे पेस्तम सागर के एरिया में एकमात्र ग्राउंड था और टाटा ने अचानक पुलिस स्टेशन में एक लेटर देके हम इसको सिर्फ फेंसिंग वॉल मार रहे हैं इस प्रकार से बात कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। यहाँ की सब बस्ती जानती है कि उस समय मैं यहाँ पर आया था, पुलिस स्टेशन का इतना बड़ा स्क्वाड लेकर आप दीवार और कंपाउंड वॉल क्यों बना रहे हो, इस प्रकार की यहाँ के लोगों की समस्या थी। बाद में एक्चुअली मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक टाटा का बहुत बड़ा बीच में टावर बनाने वाले है। एक ही ग्राउंड जहाँ पर बच्चे खेलते हैं उस खेल के मैदान को डायरेक्ट पूरे के पूरे मैदान को टावर के रूप में लेके जाना, इस प्रकार से उनकी भावना थी। उसके बाद में कई लोगों के यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ में मैंने मीटिंग कर ये इसको कम से कम इतना पोर्शन ये जो दिख रहे हैं ग्राउंड का उतना बचा कर उसके वो साइड में वो टाटा का टावर बन गया है। यानी आपको आप बताना चाहता हूँ कि आज मैं ये बस्ती में या चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ काम करने की भूमिका में नहीं हूँ, गए कई वर्षों से मैंने यहाँ पर काम किया है। यहाँ का वाल्मीकि नगर का जो स्लम एरिया थी वहाँ पर कितने तो झोपड़े हमने बना के दिए थे, इस प्रकार से ये बस्ती में मेरे कायम रूप में काम करने की मनोवृत्ति रही है। क्या कहेंगे जब यहाँ पे टावर बन रहा था और मैदान को कब्जा किया जा रहा था, कितनी दिक्कतें आपको आई थी इस मैदान को बचाने के लिए? उस समय मैं महापालिका के उसमें गया था और वहाँ यहाँ का जो वार्ड ऑफिसर है उनको जाकर मैंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या करना जा रहे हो, क्योंकि एक जगह से हमको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पुलिस का स्क्वाड लेकर, मेरे को नहीं लगता कि कोई सोशल काम के लिए इतना बड़ा पुलिस का स्क्वाड लेने की कोई ज़रूरत है। पुलिस स्टेशन में एक अलग तरह से आप लेटर देते हो, महापालिका में एक अलग तरह से लेटर देते हो, इसका जो दोनों का डिफरेंस है उसका मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। उसके बाद में वहाँ के लोगों को मैं यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ पर लेके आया, उसके बाद में मेरे को पता चला कि ये एक्चुअली कंपाउंड वॉल लगाने की कोई उन लोग की दिमाग में था नहीं, उनको बीचों बीच ग्राउंड के अंदर टावर खड़ा करने के उनके दिमाग में था। उसके बाद वहाँ किरण जी काफी चर्चित नेता है, काफी लोगों के बीच में रह चुके हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो तकलीफें हैं उससे लड़ते हुए नजर आते हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करने में लगे रहते हैं। आइए जानते हैं क्या कहेंगे, आप अगर चुनाव जीतते हैं यहाँ से तो किस तरह का यहाँ डेवलपमेंट होगा और क्या बड़ा काम देखा जा सकता है यहाँ पर। जहाँ पर अभी मैं ये 3 नंबर रोड पर खड़ा हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कलेक्टर लैंड की है। यहाँ का रीडेवलपमेंट और कलेक्टर के बीच में एक अलग से तनाव बना हुआ है। उस समय जिस समय सोसाइटी का पुनर्निर्माण हुआ और उस समय लोअर इनकम ग्रुप के लिए यहाँ पर इमारत बनाई थी, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति उनका बहुत ही कम इनकम था, लेकिन आज यहाँ पर रहने वाले सभी का इनकम बहुत ज़्यादा है। ये दोनों के बीच में एक अलग से रीडेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ गया है, उसको निपटाने के लिए कई लेटर मैंने गवर्नमेंट को लिखे हैं। मैं सिर्फ आज ये बस्ती की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने सिर्फ पेस्तम सागर का ही दौरा किया है, कल मेरी बड़ी रैली है तिलक नगर के अंदर, तो तिलक नगर की भी मैं उस समय आपको जो जो प्रॉब्लम्स है वो सब मैं बता दूंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किरण जी जो है पब्लिक के समस्या सॉल्व करने में लगे रहते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रैली में हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं क्या कहेंगे। आप लोग इनके साथ हैं, रैली में जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, अगर चुनकर आते हैं तो इनसे क्या काम करा के लेंगे आप लोग? हम यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम इनके पास जाके रखेंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी संख्या में लोग इनके साथ रैली में शामिल हुए हैं और ये पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की का कोशिश किया और निर्दलीय चुनाव लड़ भी रहे हैं। देखा जाए तो काफी जन सैलाब इनके साथ है, लोगों का सपोर्ट इनके साथ है, चुनाव जीत भी सकते हैं, लोग इन्हें काफी सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CA News मुंबई।